बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। प्रॉब्लम 5-45 को इसमें सॉल्व करेंगे। ये भी इंडोमेंट स्कॉलरशिप के हवाले से है कि आप अगर यूनिवर्सिटी में कोई स्कॉलरशिप इंडोमेंट ऑफ़र देना चाहते हैं तो उसको किस तरह से अकोमोडेट कर सकते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम 5-45 को। यू हैव डिसाइडेड टू इंडो योर फेवरेट यूनिवर्सिटी, आपकी जो फेवरेट यूनिवर्सिटी, आप उसको एक इंडोमेंट फंड विद अ स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं। इट इज एक्सपेक्टेड टू कॉस्ट $6,000 पर ईयर टू अटेंड द यूनिवर्सिटी। ठीक है, पर ईयर यानी कि ये हमारे पास क्या है, आर आ गया हमारा डाटा या पीएमटी, $6,000 टू अटेंड द यूनिवर्सिटी एंड टू परपेचुटी। तो ये परपेचुटी का केस है। परपेचुटी क्या है कि फॉर एवर चलती रहती है वो। You expect to give the university the endowment in 10 years. आप ये expect कर रहे हैं कि ये जो university का endowment है वो 10 years में हमने complete करने है, and will accumulate it by making equal annual end of year deposit into account. The rate of interest is expected to be 10% for all future time period. अब 6,000 per year to into perpetuity है, लेकिन ये 10 साल में आपने अकोमोलेट करनी है। इसके भी दो हिस्से हैं इस क्वेश्चन के, जैसे कि 45 में था, ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये परपिचुटी बना के दे दिया, उसमें फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी बना के दिया था। तो इंटरेस्ट रेट जो है हमारे पास 10% है, नंबर ऑफ ईयर्स जो होते हैं परपिचुटी में वो इन्फिनिटी होते हैं, इसलिए ये इन्फिनिट हो जाएंगे। तो हमने क्या फाइंड करना है, सबसे पहले प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी फाइंड करनी है फॉर इनडेफिनेट टाइम पीरियड। तो उसका फार्मूला है हमारे पास, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपिचुटी इज इक्वल टू आर ओवर आई, या दूसरा फार्मूला और भी लगा सकते हैं, पी एम टी ओवर आर, मतलब दोनों का सेम है, मुख्तलिफ बुक्स वालों ने मुख्तलिफ डिनोमिनेशन दी हुई है। तो आर हमारे पास कितना है, $6,000 इंटरेस्ट रेट है हमारे पास 10%, तो 0.10, तो ये 60,000 परपिचुटी की वैल्यू होगी टोटल आज की टर्म में। और ये क्या है, अगले 10 सालों में अकोमोलेट करना है इसको हमने। तो ये पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने इसकी सॉल्व कर ली है। अब दूसरा हिस्सा इसका इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा इसको समझें। केस कुछ इस तरह से बनाते हैं कि वो कह रहे हैं कि परपिचुटी एक फेवरेट यूनिवर्सिटी को स्कॉलरशिप देना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले परपिचुटी की टू डे की वैल्यू फाइंड करनी है। अब इस वैल्यू को वो अगले 10 साल में अकोमोलेट करेगा। ठीक है, तो बी में हाउ मच मस्ट यू डिपॉजिट एट द एंड ऑफ द ईच ऑफ द नेक्स्ट 10 ईयर टू अकोमोलेट द रिक्वायर्ड अमाउंट। ठीक है, अगले 10 साल में हमने अकोमोलेट करनी है, तो अगले 10 सालों के लिए ये हमारी क्या है, फ्यूचर वैल्यू होगी। इसमें से हमने इक्वल डॉलर इंस्टॉलमेंट निकालनी है जिसको वो अकोमोलेट करता रहेगा 10 साल में, फिर जाके आपके पास $60,000 हो जाएंगे, जैसे कि 44 में वो घर लेना चाह रहा था उसी सेंस में आए, लेकिन यहाँ पर परपिचुटी का केस है। तो यहां पे हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी ये अमाउंट बन जाएगी आफ्टर 10 इयर्स, $60,000, इंटरेस्ट रेट 10%, नंबर ऑफ इयर्स 10 इयर्स। तो आर हमने फाइंड करना है, या इक्वल डॉलर इंस्टॉलमेंट, या पीएमटी जिसको बोलते हैं। अब ये फाइंड करना है कि वो हर साल कितने पैसे अगले 10 सालों में अकोमोलेट करता रहे कि उसके 10 साल के बाद ये परपिचुटी की वैल्यू पूरी हो जाए जो इंडोमेंट स्कॉलरशिप देना चाह रहा है। तो सिंपल क्या करना है, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी का फार्मूला लगाएंगे, आर इनटू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट टेबल से करेंगे। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुटी कितनी है, $60,000, आर हमने फाइंड करना है, फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी, इंटरेस्ट रेट है 10%, नंबर ऑफ इयर्स 10, $60,000 इंटू आर। अब फ्यूचर वैल्यू के फैक्टर में, फ्यूचर वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एनुटी के टेबल में हम इसका फैक्टर देखेंगे, तो फैक्टर आ जाएगा 15.397।
तो 60,000 को डिवाइड करेंगे, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 15.397 इज इक्वल टू आर। डिवाइड करेंगे आर, हमारे पास आ जाएगा 3764.82 डॉलर। अब वो सालाना हर साल ये 3764.62 के जो है वो डिपॉजिट करवाएगा, 10 साल के बाद उसको रिक्वायर्ड जो परपिचुटी होगी 60,000, उसकी जो वैल्यू होगी वो जमा हो जाएगी विद द इंटरेस्ट। तो ये था क्वेश्चन, इसके भी दो हिस्से थे, 45 जो कि अलग तो बजाहिर तो आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन कंसेप्ट इसमें थोड़ा सा क्या है, टेक्निकल है। तो इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।